हल्द्वानी में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय प्रबंधक समिति के सदस्य दिनेश जी ने बताया कि अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 5 फरवरी तक चलेगा। कुमाऊं के 14,526 गांव के 24 लाख परिवारों तक यह अभियान चलेगा। इस दौरान कूपन के माध्यम से धनराशि एकत्र कर बैंक में डाली जाएगी। हल्द्वानी में आज कुमाऊं संभाग कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सहयोग राशि एकत्र कर व्यापक अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। मंदिर निर्माण में हर हिंदू की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए इस अवधि में निधि समर्पण अभियान समिति के सदस्य टोलियों में प्रत्येक घर जाकर 10 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए के कूपन के माध्यम से प्रत्येक घर से मंदिर निर्माण में उनका अंशदान प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड में 15 जनवरी से 5 फरवरी तक का अभियान है। 14,500 गांव जाने की योजना, 24 लाख परिवारों तक जाने की योजना। इस समय की अवधि में यह लक्ष्य पूरा करेंगे और उसके बाद जो बचे कुचे गांव होंगे उनको भी हम बाद में संपर्क करके जन जन तक राम के विषय को, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, ये केवल राम जन्मभूमि पर मंदिर, राम का मंदिर नहीं तो राष्ट्र निर्माण का मंदिर है, सबके मन में राम का मंदिर निर्माण हो यह भाव जगाएंगे और उनसे धन संग्रह नहीं, निधि समर्पण जो भी वो देंगे उसको लेंगे। 10 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये और उसके ऊपर रसीद की व्यवस्थाएं। आसपास की जो भी 3 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी होंगी, ये 3 बैंक इस अभियान के धन के लिए व्यवस्था की है। जितना दिन भर में होगा पास के बैंक की व्यवस्था में जाएगा, तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा, इस प्रकार की सब व्यवस्था की है। यह 15 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में ये समय अवधि रखी है। इस अवधि में देश भर में कहीं कुछ अपने अंतर से व्यवस्था कर रहे हैं। उस परिसर के अंदर 7-6 एकड़ में तो राम मंदिर बनेगा, उसके बाहर 12-15 एकड़ में त्रेता युग की झांकियां, राम के जीवन के सभी पहलुओं की झांकियां अक्षरधाम की तरह बनेंगी। वहाँ पर शोध केंद्र बनेगा, सभी रामायण का संग्रहालय बनेगा और अनेक प्रकार की 20 परियोजनाएं। और विशेष रूप से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो राम जी की कुलदेवी और सीता जी भी अपने साथ आई थी तो अपनी कुलदेवी का विग्रह साथ लाई थी, उनका भी जीर्णोद्धार करेंगे। और जो सुग्रीव किला, नल टीला, सुग्रीव टीला या अपने कुबेर टीला आदि हैं, उन सबको भी व्यवस्थित उसी रूप में खड़ा किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस दो जो कुबेर